हाँ सर, ये शोर मच रहा था तो मैंने जब बाद में देखा कि ऐसे है कि जो स्कूटी से कोई चैन सेनेचर था तो वो फिर स्कूटी छोड़ के ही भाग रहा था। जब कोई उनका पीछा किया तो फिर वो भाग गए, वो भाग रहे थे, किसी ई रिक्शा में बैठ के जा रहे थे वो। तो फिर बाद में वो जावेद नाम से कोई लड़का था, वो उनको पकड़ा था। कैसे पकड़ा था, कैसे आप लोगों को पता लगा कि ये चैन स्नैच करके भाग रहे? वो शोर मचाई थी लेडीज। तो आप लोगों ने उनको पकड़ लिया था? नहीं, मैं नहीं था लेकिन वो लड़का था। कितने पकड़े, कितने छोड़े? वो उनमें से दो थे, दो में से एक भाग गए थे, एक पकड़ा गया। ये वारदात दोपहर के टाइम थी, करीब 3:30 से 4 बजे के करीब शोर हुआ, स्कूटी गिरी, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ शुरू हुई, तो मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकला तो भीड़ हुई, मामला समझ में आया कि दो लड़के भागे हैं उस तरफ, कुत्ते उनके पीछे भागे हैं और एक दो लोग भी उनके साथ पीछे भागे उनको पकड़ने के लिए। मैं भी अपनी बाइक लेके उनके पीछे निकला, देखा तो वो आगे दबोच लिए गए थे। एक उनमें से भागने में सक्सेसफुल रहा और एक पकड़ लिया गया था। एक को हम बिठा के यहाँ ले आए थे, उसके पॉकेट से कुछ आईफोन और कुछ लेडीज़ पर्स स्कूटी से बरामद हुए थे, जो कि हैंडओवर कर दिए गए थे। PCR यहाँ पर आ गई थी और लोकल थाना वहाँ पर हैंडओवर कराए थे। लेडी कौन थी, कुछ पता लगा कि उनके साथ स्नैचिंग हुई? नहीं, लेडी का मुझे आइडिया नहीं है, वो जस्ट यहाँ से क्रॉस कर रही थी और उसको जो चेन स्नैच करी और वो मुंह के बल गिरी, तो उनको चोट भी आई थी हाथ पे, अभी भी उनके शायद निशान होने चाहिए।